मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन व्हाइट टिप्स एफएफ। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बड़े होंगे, और गाइस आगे भी आप सभी बड़े ही रहना। ओके तो गाइस, क्या आपके डेजर्ट ईगल से शॉर्ट रेंज में, मिड रेंज में एंड गाइस लॉन्ग रेंज में वन टैप हेडशॉट नहीं लगते हैं? अरे हाँ भाई हाँ। तो गाइस टेंशन मत लीजिए, आज के इस वीडियो में आपका भाई व्हाइट टिप्स एफएफ आपको ऐसे कुछ सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला है, जिनको जानने के बाद गाइस डेफिनेटली आप डेजर्ट ईगल से तीनों रेंज में इजीली वन टैप हेडशॉट लगा पाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बट गाइस, इन सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को जानने के लिए आपको वीडियो को जरूर से पूरा लास्ट तक देख लेना है, क्योंकि गाइस अगर वीडियो को आप थोड़ा भी स्किप कर देंगे तो गाइस आप बिल्कुल भी वन टैप हेडशॉट नहीं लगा पाएंगे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के भी बात कर लेते हैं उन सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। ओके तो गाइस, जो हमारी डेजर्ट ईगल से वन टैप हेडशॉट लगाने के लिए फर्स्ट टिप होने वाली है गाइस, वो हमारे होने वाली है क्विक वेपन स्विच के लिए। तो देखिए गाइस, मैं आपको एक बात बता दूं कि गाइस अगर आप डेजर्ट ईगल से इजीली वन टैप हेडशॉट लगाना चाहते हैं एंड गाइस अगर आप क्विक वेपन स्विच का यूज नहीं करते हैं तो गाइस इसीलिए आपके वन टैप हेडशॉट नहीं लगते। अब गाइस आपको क्या करना है, तो गाइस मैं आपको बता दूं कि गाइस आपको ऑलवेज जब भी वन टैप मारने जाए तो गाइस क्विक वेपन स्विच का यूज करना है। अभी गाइस इसकी आपको कैसे यूज करना है एंड कैसे प्रैक्टिस करनी है, तो देखिए गाइस आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने क्विक वेपन स्विच को इनेबल कर लेना है। एंड गाइस इसको इनेबल करने के बाद आपको यहाँ पे जहाँ मैं खड़ा हूँ ट्रेनिंग ग्राउंड में, यहाँ पे आना है। एंड गाइस जिस तरीके से मैं फायर कर रहा हूँ एंड गाइस स्प्रिंट मार के भाग रहा हूँ, इसी तरीके से गाइस आपको सबसे पहले क्विक वेपन स्विच से प्रैक्टिस कर लेनी है। जब गाइस आपकी ऐसे प्रैक्टिस अच्छी हो जाए तो उसके बाद आपको ट्रेनिंग ग्राउंड में जाना है एंड गाइस क्विक वेपन स्विच को वन टैप लगाने का ट्राई करना है, तो आपके डेफिनेटली बहुत ओपी वाले वन टैप हेडशॉट लगेंगे। ओके तो चलिए गाइस, अभी बात कर लेते हैं अपनी सेकंड हेडशॉट ट्रिक के बारे में। ओके तो गाइस, जो हमारी सेकंड ट्रिक होने वाली है गाइस, वो हमारी होने वाली है एम के लिए कि गाइस आपको अपडेट के बाद अपने एम को कहाँ रखना है। तो देखिए गाइस, अपडेट के बाद अपने एम को आप कहीं भी रखिए, बट गाइस एक बात का ध्यान रखना कि गाइस वो रेड होना चाहिए एंड गाइस आपको वहाँ पर रोटेशन ट्रैक मारना है, तो गाइस आपका इजीली वन टैप हेडशॉट लग जाएगा। बट गाइस एक बात का आपको मस्ट ध्यान रखना है कि गाइस आपका एम रेड हो एंड गाइस एनिमी की बॉडी के पास में ही हो, तो गाइस आपका डेफिनेटली इजीली वन टैप हेडशॉट लग जाएगा। मस्त प्लान है, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलिए गाइस, बात कर लेते हैं मेरी लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप के बारे में। ओके तो गाइस, जो मेरी थर्ड टिप होने वाली है गाइस, वो हमारे होने वाली है कि गाइस आप लॉन्ग रेंज, मिड रेंज एंड शॉर्ट रेंज तीनों रेंज में इजीली वन टैप हेडशॉट कैसे लगा सकते हो। तो देखिए गाइस, अगर आपका एनिमी बहुत ज़्यादा लॉन्ग रेंज में है तो गाइस वहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि गाइस वहाँ पे आपके एनिमी की जो बॉडी होती है वो छोटी होती है एंड गाइस जो आपका एम होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो गाइस वहाँ पे आपको क्या करना है कि गाइस वहाँ पे आपको हल्के से ड्रैग करना है एंड गाइस उसके बाद आपका इजीली वन टैप हेडशॉट लग जाएगा। बट गाइस जो मैंने पहले बताया उसी बात का आपको जरूर से ध्यान रखना है कि गाइस आपका एम जरूर से रेड होना चाहिए। ओके तो गाइस अभी बात कर लेते हैं कि गाइस आप मिड रेंज में कैसे इजीली वन टैप हेडशॉट लगा सकते हो। तो देखिए गाइस, अगर आपका एनिमी आपसे मिड रेंज में है तो गाइस वहाँ पे आपको क्या करना है कि गाइस वहाँ पे आपको रोटेशन ड्रैग मारना है। अगर गाइस आप वहाँ पे रोटेशन ड्रैग का ट्राई करेंगे तो गाइस डेफिनेटली आपका इजीली वन टैप हेडशॉट लग जाएगा। एंड गाइस जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, मेरा एनिमी शॉर्ट रेंज में था एंड गाइस वहाँ पे मैंने रोटेशन ड्रैग मारा, तो गाइस मेरा इजीली मेरे एनिमी को हेडशॉट लग गया। तो गाइस यही आप भी ट्राई करना, तो गाइस डेफिनेटली आपका भी हेडशॉट लग जाएगा। अच्छा तो गाइस अभी मैं आपको बता देता हूँ कि गाइस आप कैसे बहुत ज़्यादा शॉर्ट रेंज में अपने एनिमी को इजीली हेडशॉट लगा सकते हो। तो देखिए गाइस, जब आपका एनिमी बहुत ज़्यादा शॉर्ट रेंज में होता है तो गाइस वहाँ पे जो आपके एनिमी की बॉडी होती है वो बहुत बड़ी होती है एंड गाइस आपका जो एम होता है उसके कंपेरिजन में छोटा होता है। तो गाइस वहाँ पे आपको क्या करना है कि गाइस अपने जो फायर बटन है उसको एक तो सबसे पहले फास्ट ड्रैग करना है। एंड गाइस वो कैसे करना है, सबसे पहले अपने फायर बटन को नीचे की तरफ खींचना है एंड गाइस क्विकली उसको ऊपर की तरफ खींच देना है, तो गाइस आपका इजीली हेडशॉट लग जाएगा। बट गाइस ये आपको बहुत फास्ट करना पड़ेगा, तभी गाइस आपका इजीली हेडशॉट लग पाएगा। ओके तो गाइस आज की वीडियो में आपको जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं, अगर गाइस आप इनको फॉलो कर लेंगे एंड गाइस इन पे प्रैक्टिस कर लेंगे तो गाइस डेफिनेटली आप इजीली डेजर्ट ईगल से हेडशॉट लगा पाएंगे। तो गाइस आज की वीडियो आपको कैसी लगी मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। अगर गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो ऐसे और वीडियोस के लिए मेरे चैनल व्हाइट टिप्स एफएफ को जरूर से सब्सक्राइब कर देना एंड गाइस बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।